हथियार भर्ती लिस्ट रिविजिट हाई कोर्ट अपडेट 6800 पद मिलेंगे क्या, जाने इस वीडियो में 70% इनका सिलेक्शन होगा, किस किन अभ्यर्थियों का किस लिस्ट वालों को सिलेक्शन हो सकता है हम बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल जैक बोल ऑनलाइन में। जैसा कि आप लोगों को पता है सुनवाई के बाद में नेक्स्ट डेट मिल गई थी हथियार शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को लेकर सुनवाई 26 को होगी, यहाँ पर 26 तारीख को दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी भी परेशान है क्योंकि कॉल लिस्ट में ये शो नहीं कर रहा है। जल्दी आपको ये कॉल लिस्ट में देखने को मिलेगा, आरक्षण मुद्दा जल्दी समाप्त होने वाला है। वहीं पर बात करें उत्तर कुंजी प्रकरण लेकर कंटेम्प्ट फाइल को तो 80/83/2022 को, तो यहाँ पर अभी तक नेक्स्ट हियरिंग डेट एमपीडी आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो जल्द ही ये एक दो दिन में डेट शो हो जाएगी, कोई परेशान ना हो, ये कन्फर्म है इसकी सुनवाई भी होना। वहीं पर बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिट संख्या 13456/2020 महेंद्र पाल एंड अदर्स स्टेट यूपी, और यहां पर देख सकते हैं रिट डिस्पोज ऑन 13/3/2023 बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट अलावा लखनऊ बेंच डायरेक्टिंग टू द रिवाइज द सेलेक्ट कैंडिडेट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि इस लिस्ट को रिवीज लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया गया है, तो यहाँ से कोर्ट अपडेट के माध्यम से जो अब तक सुनने में आ रहा है कि अभी तक लिस्ट रिबीट नहीं हुई है या हो गई है, तो ये लगभग 100% कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मतलब कि जो लिस्ट है वो प्रिपेयर हो चुकी है। वहीं पर प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 4800 पद मिलने की बात कही जा रही है, तो अगर 4800 पद मिलते हैं तो सिंपल बात है कि जो सिलेक्शन होगा 6800 लिस्ट में से तो उन अभ्यर्थियों की संख्या घटेगी। यहाँ पर लगभग यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 6800 की लिस्ट में से लगभग 70% अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्शन पा जाएंगे। अगर आंसर की मुद्दे को भी कनेक्ट करता है तो कुछ अभ्यर्थी आंसर की मुद्दे से भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखना जगह उत्तर कुंजी प्रकरण वाले अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया है नहीं किया गया, ये तो अपडेट पूरी जब बाहर निकल कर आएगी तभी क्लियर हो पाएगा, लेकिन अब तक जानकारी के अनुसार तो क्योंकि 6800 की लिस्ट के जितने सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनमें से 70% अभ्यर्थी इनका हाई रैंक है, वो टेंशन बिल्कुल ना लें क्योंकि उनका लिस्ट में नाम आना लगभग कन्फर्म है और 70% के समथिंग यहाँ पर नाम आ सकते हैं। अब देखना है कि पद बढ़ते हैं या घटते हैं, अगर अब तक की जानकारी के अनुसार 4800 पदों के बारे में ही बात की जा रही है, जो भी अपडेट रहेगी लाइव अपडेट नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट जानकारी के साथ में आप लोगों को बता दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।